हे गाइस, मैं प्रवीण। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, मेरा रिजल्ट आना बाकी है। अभी 2 महीने हुए हैं, इसके बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा मैं आज 2 महीने बाद की कंडीशन आपको बताता हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरा जो स्वेलिंग कितनी है, इसके अलावा मुझे दर्द कितना होता है, ईचिंग कितनी होती है, मैं इस बारे में डिस्कशन करूँगा। इसके पहले आप मेरे ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेरी रहती है आप लोगों के लिए वो ज़रूर आप लोग क्वेश्चन करें हमसे, ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ और वीडियोज़ की मुझे सजेशन मिल सके कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाना है। इसके अलावा अब हम चलते हैं हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि मुझे कितने ग्राफ्ट आए हैं, क्या लगा है, क्या कैसा कॉस्ट, सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए जो भी क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले मैं इनको सॉल्व कर देता हूं। इसके अलावा मैंने किस क्लिनिक से करवाया अपना ट्रांसप्लांट, वो भी आप लोग देख लीजिए कि मैंने यहाँ से इनसे सर से करवाया है। इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे, मैंने सारी रिसर्च करके सारी चीज़ें करके मैंने इनके अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है। अभी 2 मंथ हुए हैं, 2 मंथ में आप देखिए सबसे पहले मेरी हेयर की कंडीशन। सबसे पहले आप देखिए मेरी वो तस्वीर जिसमें मेरा जो हेयर लॉस हो चुके थे, मेरी ये कंडीशन थी सबसे पहले। इसके अलावा जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरी ये कंडीशन हो गई। इसके बाद ट्रांसप्लांट के कुछ दिन बाद की ये एक और पिक्चर है, जिसमें आप लोगों को ये भी दिख जाएगा कि ऐसी कंडीशन हो जाती है। फिर इसकी ये जो ब्लड क्लॉटिंग जमे हुए हैं ये सारे निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद कंडीशन क्या होती है, ऐसी हो जाती है, ये ऐसा लगने लगा कि हाँ मेरे हेयर अच्छे हो चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे शेडिंग फेज आता है, जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और बाल झड़ते जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके कंडीशन आज मेरी ये जो है 2 महीने में हो चुकी है। शेडिंग फेज डॉक्टर ने बताया था कि 15 दिन से लेकर 2 से 3 महीने 4 महीने तक शेडिंग फेज चलता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आना शुरू होता है। तो आप लोगों को मेरे लगातार जितना भी रिजल्ट, जैसे जैसे जो भी मेरी कंडीशन चेंज होगी, जरूर इस चैनल पर आप लोगों को देखने मिलेगी। यदि आप ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ना जरूरी है, ताकि मेरा जब रिजल्ट आए तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्लिनिक चुनने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी जो अभी हेयर की कंडीशन ऐसी है कि इस प्रकार से मैं बहुत जूम करके ये वीडियो दिखा रहा हूं, मेरी हेयर की कंडीशन इस टाइप से है। अभी मेरे बाल बहुत झड़ चुके हैं और निकलना धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा मेरा जो डोनर एरिया है, जहाँ से मेरे बाल निकाले गए थे, उसकी कंडीशन अब नॉर्मल हो चुकी है, बिल्कुल भी वहाँ पर ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ से बाल निकाले गए थे कभी, तो ये कि ये कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों से मैंने बोला कि दर्द कितना होता है। दर्द का ये है कि आपका जैसे ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 15 दिन तक, देखो 2 दिन तक तो आपके लिए वो वाला दर्द होगा कि जैसे आपको कहीं चोट आ जाती है और वहाँ पे दर्द होता है वो वाली। इसके अलावा जो नॉर्मल दर्द होता है या टच करने में या ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा खुजली टाइप की होती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लगभग 15 दिन तक ज़्यादा होगी। फिर उसका धीरे धीरे कम होते 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 2 महीने में आपका बिल्कुल नॉर्मल, 1 महीने में मैं नॉर्मल हो गया था। बाकी यहाँ पर जो ये वाला एरिया है जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ, यहाँ पर टच करने पर ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब मेरी बॉडी का ये पार्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। अब धीरे धीरे 2 महीने हो चुके हैं, अब मुझे फील भी होने लगा है। उस जगह पर पसीना नहीं आता था मुझे, जैसे पसीना कहीं कुछ भी ऐसा काम किया तो यहाँ से पसीना आना स्टार्ट हो जाता था, इस एरिया से पसीना नहीं आता था। इसके बाद जब मैं जैसे जैसे नॉर्मल स्किन होती जा रही है, वैसे वैसे उस जगह पर ये दोनों एरिया हैं, यहाँ पर दोनों जगह क्या पसीना अब आने लगा है। बीच वाला एरिया भी थोड़ा सुन्न टाइप से है, तो वो भी अब नॉर्मल धीरे धीरे होता जा रहा है। बाकी अब हम खुश हैं, हमें उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब अपनी स्किन में ये क्या करवा लिया। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आता है, तो वो सबको ऐसे जो भी ट्रांसप्लांट करवाते होंगे उनको फील होता होगा, किसी ने शेयर नहीं किया था, तो मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ को आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया कि पहले जैसी स्किन काम नहीं करती जैसी स्किन पहले थी आपकी, लगभग 2-3 महीने 8 महीने बाद तो आपकी बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। इसके अलावा पहले मैंने दर्द का बता दिया कि दर्द की ये है, स्वेलिंग की बात है तो स्वेलिंग ऐसा है कि आपकी जो नॉर्मल स्किन है एक एरिया है, वहाँ से ज़रा सा बिल्कुल नॉर्मली थोड़ा सा उठ जाता है उस जगह से, क्योंकि वहाँ पर अपने ग्राफ्ट लगाए होते हैं तो वहाँ पर एक नई स्किन आके जुड़ जाती है, तो इस कारण से उस एरिया में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। ये कौन सा हो गया, मैंने आपको स्वेलिंग का बता दिया, बस वही स्वेलिंग है। यहाँ पीछे जहाँ से हेयर निकाले गए थे तो वहाँ से अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है, वहाँ से ना कोई स्वेलिंग है, वहाँ पे कोई भी फील नहीं होता, ऐसा है कि चोट लगी थी तो मिट गई। इसके अलावा ये दोनों चीज़ें हो गई, और तीसरा है कि हाँ तो ईचिंग की बताएं। ईचिंग का क्या होता है कि सबसे पहले आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया तो कुछ नहीं, इस वाले एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं रहती, उस टाइम पर थोड़ा बहुत दर्द रहता बस। जब जिस जगह पे आपके ट्रांसप्लांट हुए होते हैं बाल, वहाँ पर अचानक किसी एक पॉइंट पर आपको ईचिंग होगी, उस जगह पर सलाइन वाटर बहुत डालना होगा, क्योंकि वहाँ पर टच कर नहीं सकते जब तक हेड वॉश नहीं होता, उसके पहले की कंडीशन नहीं होती। हेड वॉश होने के बाद मुझे लगभग 2 महीने हो चुके, तब तक उस जगह पर कुछ भी ऐसा कोई भी ईचिंग नहीं हुई, सिर्फ डोनर एरिया पर सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर ईचिंग होती है, यहाँ पर नहीं होती है 2 महीने तक। अब 2 महीने की बात की ये कंडीशन है कि यहाँ पर ईचिंग होने लगी, यहाँ की मिट चुकी, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि ये ईचिंग का फंडा है, कि ईचिंग कैसे होगी, क्या होगी, क्या दिक्कत होगी,
उसको कैसे ठीक करेंगे, ईचिंग का कुछ नहीं, ईचिंग हो थोड़ी सी खुजली कर लो तो उससे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा उसका कोई वो नहीं रहता कि कुछ अलग से लगाओ या कुछ भी। डॉक्टर अगर ज़्यादा हो रही तो डॉक्टर से आप बात करो, डॉक्टर आपके लिए कुछ भी ऐसा देंगे तो आप उसके लिए लगा सकते हो वहाँ पर ट्यूब वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी, ये वीडियो यहीं तक है। और आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो के, आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। आप लोगों को ऐसे ही मेरे सारे रिजल्ट के वीडियो मैं लगातार देता रहूँगा, लगातार आप लोगों को सारा रिजल्ट शेयर करूँगा, उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा ताकि आप लोगों को एक सिक्वेंस वाइज वीडियो मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 दिन का मैंने एक बना दिया, एक मंथली बना के रखेंगे कि पहले मंथ में, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में, ऐसे पांचवे मंथ में क्या कंडीशन होती है, तो वो भी हम आपको बना के रखेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो एक नॉर्मल अच्छी कंडीशन में मिल सके कि आप लोग अच्छे से देख सकें। इसके अलावा बीच में को क्या कैसी कंडीशन आती है उसका एक अलग से प्ले लिस्ट होगा, जैसे कॉस्ट कितना आता है, PRP क्या होती है, या बल को कैसे काउंट करती है, सारी जो अलग से टॉपिक होते हैं उन टॉपिक का मैं अलग से आपको प्ले लिस्ट बना के रखूँगा ताकि आप लोगों को वो भी चीज़ें मिल सकें। सबसे सुलझा, सबसे सिंपल और सबसे बिल्कुल क्लियर मैंने चैनल बना के रखा है ताकि आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा दिखे। आप सर्च करते रहते थे, हम तो सर्च करते थे कि अरे यार इन्होंने कहाँ से करवाया है ट्रांसप्लांट, इसके अलावा इन्होंने, इनको कितने ग्राफ्ट आए हैं, कितने पैसे लगे। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में, आपको कोई भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, आप लोग बस जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकें और आप लोग सीधा ट्रांसप्लांट करवा सकें। मैंने एक एक कंडीशन 10 दिन की तो मैंने रेगुलर वीडियो डाल के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आपको सीधा आप लिंक पर क्लिक करिएगा, 10 दिन की आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। मैंने डेली की कंडीशन बताई कि आज मेरी क्या कंडीशन है, आज मुझे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।